हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया ही होंगे, बढ़िया ही रहना। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ मेरे इस चैनल पर। तो यार चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को कि कहां हम अब आज घूमने आए हैं और क्या इस जगह का नाम और क्या क्या यहाँ अंदर चीज़ें हैं। तो यार चलते हैं अंदर और देखते हैं। तो यार बने रहना इस वीडियो के साथ और ऐसे ही नई नई जगह आपको घुमाते रहेंगे। और यार जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दे, क्योंकि नई नई वीडियो मैं लाता रहूँगा अगर आप इसी तरीके से मोटिवेट करते हैं तो। तो भाई चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अगर नई नई वीडियो देखनी है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और भाई अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ की खास स्पेशलिटी क्या चीज़ है, कौन सी ये जगह है। तो भाई मैं आ चुका हूँ दिल्ली के राजघाट में, जो कि भाई राजघाट गांधी जी की स्मारक है राजघाट में। तो भाई अभी स्मारक तो दिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अगर आप यहाँ आते हैं तो भाई किस तरीके से आना आपको ठीक रहेगा। अगर आप आते हैं बस से तो भाई ठीक इसके बाहर ही राजघाट बस स्टॉप है। और भाई अगर आप आते हैं मेट्रो से तो इंद्रप्रस्थ इसके नियर बाय मेट्रो स्टेशन है। और अगर आप दिल्ली से बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो भाई कश्मीरी गेट बस अड्डा इसके ठीक 1 किलोमीटर पे है। तो भाई किसी भी तरीके से आप आ सकते हैं, बहुत बेस्ट तरीका आपको मैंने बता दिया है। और यार अब चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको गांधी जी की स्मारक। तो यार ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं गांधी जी की स्मारक पे और करते हैं उनको नमन। तो भाई स्मारक पे जाने से पहले जूते चप्पल बाहर ही उतार के जाने पड़ेंगे। तो भाई चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको वो जगह जहाँ गांधी जी की स्मारक है। तो आइए चलते हैं। कुछ इस तरीके से गांधी जी की स्मारक, जो कि आप सभी जानते हो या नहीं जानते हो, गांधी जी को यहीं पे दफनाया गया था और यहाँ पर उनकी स्मारक बना दी गई है। जैसे कि आप ये देख रहे हो ज्योति जल रही है, तो भाई ये एनी टाइम जलती रहती है। दिल्ली के राजघाट के अंदर आप लोग इस टाइम मौजूद है मेरी वीडियो के माध्यम से। तो यार एनी टाइम इसी तरीके से ये ज्योति जलती रहती है और इसी तरीके से यहाँ पर ये साज सजावट, जिस तरीके से आप देख रहे हैं फूल, तो भाई एनी टाइम 24 घंटे इसी तरीके से ये स्मारक जगमगाती रहती है। तो भाई कभी आप आओ तो इस जगह को ज़रूर घूमें। तो भाई 44 एकड़ में ये पूरा राजघाट बना हुआ है, जो कि इस तरीके से कुछ डिज़ाइन किया गया है। तो यार देख सकते हो आप लोग, बीच में समाधि है और ये चारों तरफ बाउंड्री है। और भाई इस बाउंड्री के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पार्क गार्डन है,
जिसमें आप घूम सकते हो, पिकनिक कर सकते हो और थोड़ा आराम भी कर सकते हो। तो यार जैसे कि अभी आपने देखा लाइव प्रिंट निकलते हुए फ़ोटो का, तो भाई समाधि के बिल्कुल ही बगल में एक फ़ोटोग्राफ़र भैया है जो कि फ़ोटो खींचते हैं, और भाई वहीं पे उन्होंने मशीन लेके रखी हुई है, तो भाई लाइव प्रिंट निकाल रहे थे तो आपको सोचा दिखा दूं। तो भाई अब हम देखने जा रहे हैं ऊपर से नज़ारा किस तरीके का दिखता है समाधि का। तो ये मैं आ चुका हूँ ऊपर, तो भाई टॉप से कुछ इस तरीके का नज़ारा है, देख सकते हो आप। ये भाई कुछ इस तरीके का बना हुआ है और इसके आजू बाजू 44 एकड़ का ग्राउंड, इस तरीके का ग्राउंड गांधी जी की समाधि के चारों तरफ इसी तरीके का ग्राउंड है जो कि देख सकते हो आप। हर साल इसी जगह पर भारत के प्रधानमंत्री आते हैं और फूल अर्पण और प्रार्थना करते हैं, तो भाई उसी जगह पर आज मैं आपको लेके आया हूँ, देख सकते हो आप। तो यार कैसी लगी ये वीडियो लिखकर कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई अब चलते हैं एग्ज़िट की तरफ और भाई मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।